गुलाम कश्मीर में, नीलम घाटी में आकाश छूते पहाड़, हरी भरी घाटियां, बहती नदियां और खूबसूरत झीलें हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में कंगधार के सामने नियंत्रण रेखा के पार नीलम घाटी गुलाम कश्मीर का जिला है। पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर को दो भागों में बांट रखा है, जिसमें एक तरफ गिलगित बाल्टिस्तान है तो दूसरे भाग में खैबर पख्तूनख्वा है। नीलम घाटी मुजफ्फराबाद से 105 किलोमीटर दूर रेशिया गली नामक पहाड़ी दर्रे के दूसरी ओर है। पीओके हासिल करने के लिए नीलम घाटी भारत के लिए पहला पड़ाव माना जा सकता है, क्योंकि नीलम घाटी में भारत का अधिकार होने के बाद यहां से खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचने की राह बेहद आसान हो जाएगी। भारत द्वारा रविवार को नीलम घाटी में की गई पहल इसी रणनीति का एक हिस्सा है। भारत के लिए नीलम घाटी का महत्व सियाचिन की तरह है, जहां रातों रात भारत ने सियाचिन को अपने कब्जे में लेकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। इस वक्त भारत की योजना यही होनी चाहिए कि नीलम घाटी पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। हालांकि यह काम आसान नहीं है, लेकिन इस वक्त भारत के पक्ष में जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना हुआ है और पाकिस्तान अपने ही घरेलू हालात से जूझ रहा है, ऐसे में इतना बढ़िया अवसर भारत को बामुश्किल ही मिलेगा। कम से कम भारतीय सेना को अपने पराक्रम को दिखाते हुए नीलम घाटी की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। नीलम घाटी ही पाक सेना के जबूरों का गढ़ है। यहाँ जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के सबसे अधिक कैंप बनाए गए हैं, यहीं पर लॉन्चिंग पैड भी बने हुए हैं। भारत के खिलाफ साजिशों का खेल यहीं पर रचा जाता है। दरअसल पाकिस्तान में आईएसआई, पाक सेना और कट्टरपंथी इस खूबसूरत वादी का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। इसी वजह से नीलम घाटी का नाम अब आतंक के गढ़ के रूप में होने लगा है। नीलम घाटी के साथ ही लीपा घाटी जुड़ती है, जहां पर पाक जमूरों का बसेरा है। यानी यहां कई रमणीय स्थल होने के बावजूद आम लोगों और सैलानियों को जाने की अनुमति नहीं है। यहीं पर कश्मीरी पंडितों की आस्था का शारदा पीठ भी है, परंतु पाकिस्तान किसी भी श्रद्धालु को शारदा पीठ नहीं जाने देता है। दरअसल पाकिस्तान सेना ने नीलम घाटी में 24 लॉन्च पैड तैयार कर लिए हैं और बर्फबारी से पहले भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें तेज हो रही थी। भारतीय सेना ने इन्हीं लॉन्च पैड को तबाह किया है। पाक सेना ने अपने जमूरों को सैन्य चौकियों और पोस्टों के भीतर पनाह दे रखी है, जिसके लिए भारतीय सेना अब कमर कस रही है और एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में है। अगर पाकिस्तान नीलम और लीपा घाटी से टेरर कैंप नहीं हटाता तो भारतीय सेना की कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। लेकिन इस बार यह कार्रवाई सीमित नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार यदि पीओके को वापस लेने के प्रति गंभीर है तो उसे सबसे पहले नीलम घाटी से पाकिस्तान का कब्जा खत्म करना होगा। जिस प्रकार कश्मीर भारत का मुकुट है, वैसे ही कश्मीर का मुकुट नीलम घाटी है। इसके बिना कश्मीर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बड़ी बात यह है कि सियाचिन में जिस प्रकार भारी बर्फबारी का फायदा भारत के जवानों ने उठाया था, इसकी पुनरावृत्ति यहां भी हो सकती है। खास बात यह है कि जब आतंकवादी इस तरफ घुसपैठ करके दाखिल हो सकते हैं, फिर भारतीय सेना के पास तो तमाम संसाधन हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि नीलम घाटी में पाक सेना भी सर्दियों के दौरान सीमित संख्या में रह जाती है। यूं भी नीलम घाटी भारत का हिस्सा है और हमारी सेना को यहां जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मतलब साफ है कि इस बार रणभूमि का स्थान तय हो चुका है। सेना ने अपनी कार्रवाई से ऐसे संकेत भी दे दिए हैं। भारत अपना लक्ष्य निश्चित कर चुका है। सेना को आभास है कि बिना नीलम घाटी फतेह किए बिना मुजफ्फराबाद तक का सफर मुश्किल है। इसलिए नीलम घाटी आज सबसे ज्यादा चर्चा में है और संभवतः भारतीय सेना इसे अब ज्यादा चर्चित होने से पहले एक्शन प्लान तैयार कर सकती है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो रही है, आतंकी कैंप खाली होने वाले हैं, पाक सेना के अधिकांश सैनिक बैरकों में लौटने के लिए बिस्तर समेट रहे हैं, पर भारतीय सेना की नजर अपने लक्ष्य पर है। वह जरूर इन सर्दियों में कश्मीर के मुकुट को हासिल करके कश्मीर का सम्मान लौट आएंगे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।